लेकिन जो मजार डिमोलिश किए गए वो 500-500 साल और 600-600 साल पुराने, हमारे पास बकायदा उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। इन जमीनों को ऊंट पे लाद के या घोड़ों पे लाद करके महमूद गजनवी लाया था वहां से। और सोमनाथ क्या, सोमनाथ क्या मुसलमानों की जमीन थी? सोमनाथ क्या मुसलमानों का था? जो ये आज कहते हैं कागज है, वापसी हो जाएगी। तुम चले जाओ, तुम्हारे तो वही घर ही रही है। तुमको तो अरेबिया वाले भी जूते मार के बाहर निकलते हैं, तारीख को जूते मारते हैं। इस्लाम दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल जालिम दुनिया में। तो आज की एक और डिबेट होने वाली है बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की डिबेट में कपिल कुमार ने आज एक अपने आप को वरिष्ठ वकील समझने वाले उमर खान को आज डिबेट में बड़ी अच्छी तरीके से धोया है। डिबेट चल रही थी कि सोमनाथ मंदिर के पास में अभी कुछ मस्जिदें अतिक्रमण में आ रही थी, उसको तोड़ दिया गया और इसी पर डिबेट चल रही थी। डिबेट के दौरान उमर खान को आज कपिल कुमार ने इस तरह धोया है कि वीडियो देख के आपको बड़ा आनंद आने वाला है। तो आज की ये वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है, आपसे अंदर के वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमें एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। संगीत रागी, पहला कमेंट मैं आपसे चाहता हूं, क्या ये धर्म देखकर बुलडोजर चलाया जा रहा है? क्योंकि माहौल यही बनाने की कोशिश की गई, बहुत सारी भीड़ भी वहां पर इकट्ठा थी, वहां के प्रशासन ने उनको कंट्रोल किया, वहां के प्रशासन ने कोई हो हंगामा नहीं होने दिया, लेकिन कहा यही जा रहा है कि यह मजहब देखकर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो वहाँ के आईजी, एसपी, डीएसपी, पुलिस इंस्पेक्टर और वहाँ के पूरी प्रशासन, जिला प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद जो उन्होंने कम से कम ऐसा निर्णय लिया और हिम्मत दिखाई कि वो जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन थी उनको ध्वस्त किया गया। और ये ध्वस्त किए जाने लायक भी थे और किया जाना चाहिए था, बहुत पहले किया जाना चाहिए था। पहली बात तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन थे। दूसरी बात, सोमनाथ कोई सामान्य जगह नहीं है, ये भगवान महादेव की स्थली है और ऐसी स्थली के अंतर्गत एक पैटर्न पूरे देश भर में देखा गया है कि जो मुस्लिम आबादी है वहां पर दुकान शुरू करेगा, कुछ दिन बाद में मजार शुरू करेगा, कुछ और करेगा और ये प्रकार की जो गतिविधियां हैं उससे इंक्रोचमेंट करके वहां की पूरी जो है इकोनॉमी को पहले कब्जा करेगा, उसके बाद मजार के लैंड जिहाद करेगा, फिर मस्जिदें धीरे धीरे आएंगी और फिर इस प्रकार से इस्लामीकरण का एक दौर शुरू हो जाता है। और ये पैटर्न सिर्फ वहां वही नहीं दिख रहा है, ये उत्तराखंड में दिख रहा है, रुड़की के अंदर दिख रहा है, हरिद्वार के अंदर दिख रहा है, घने जंगलों के अंदर दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट में भी आप आ जाए तो नॉर्थ ईस्ट में आपको ऐसी बहुत सारी मिले। मुझे लगता है इस कार्रवाई का सिरा सीधा समर्थन किया जाना चाहिए। और एक बात और मैं जोड़ देना चाहता हूं, यदि ये देख करके भी किया जा रहा है तब भी ये जायज है, ऐसा किया ही जाना चाहिए क्योंकि ये कतई भी इस देश में बर्दाश्त तब नहीं किया जाना चाहिए कि ऐसे जगह मशीनें खड़ी कर दी जाए, इलीगल तरीके से कब्जा कर लिया जाए, लैंड जिहाद हो। ठीक है, मेरे साथ दानिश कुरैशी हैं, एआईएमआईएम के लीडर हैं। दानिश कुरैशी जी, संगीत रागी कह रहे हैं कि इस तरह की अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, वहां के एसपी, वहां के डीएम, वहां के आईजी, इन सबको कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए मैं साधुवाद देता हूं। देखिए, मुझे लगता है संगीत रागी को वहां की एक्चुअली पाटन की एक्चुअल परिस्थिति का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए उनके पास जो रटा रटाया एक मामला है जो हमेशा वो कहते रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया, इस तरह से मुगल आए थे, इस तरह से वो आया था, इस तरह से ये आए थे, इनके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं। प्रैक्टिकलिटी की बात मैं आपको ये बता दूं, शायद इनके पास जानकारी नहीं है कि उसमें एक तारीख तक का स्टे है, पूरी की पूरी जो 27 एकड़ जमीन है उस तमाम का स्टे है। अब जो लड़ाई है, अब कलेक्टर को डिसमिस करने की लड़ाई अब शुरू हुई है वहां पर और वो आप देखेंगे, क्योंकि वहां पर स्टे है उसके बावजूद भी आप छुट्टी वाले दिन वहां पर बुलडोजर, इतने सारे बुलडोजर, अगर ये कार्रवाई चालू, सुनिए मेरी बात, अमूमन जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो एक आध दो बुलडोजर से काम शुरू होता है, लेकिन 40-50 बुलडोजर इकट्ठे करने, पूरा इतना अगल बगल के पुलिस थाने या अगल बगल के डिस्ट्रिक्टों में से नहीं। तो दानिश कुरैशी, क्या भीड़ इकट्ठा करने का काम केवल कुछ लोगों का है जो मैसेज भेजकर भीड़ इकट्ठा कर ले? अगर प्रशासन ने अपना बल दिखाया, वो एक बुलडोजर से तोड़े कि 40 से तोड़े, इसमें क्या आपत्ति है? एक भी अवैध है आपकी नजर में, 40 भी अवैध है, क्या भीड़ इकट्ठा करने का काम केवल आपका है कि आप इकट्ठी कर लें, उसका इंतजार कर ले प्रशासन?
जब 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 आपको एक कंकरी भी वहां से हटाने की इजाजत नहीं है, जब स्टे है, तो आप 40,000 बुलडोजर भी नहीं मंगा सकते, कुछ भी नहीं मंगा सकते। ये तो आप कानूनी लड़ाई देखेंगे, लेकिन जो मजार डिमोलिश किए गए वो 500 साल और 600 साल पुराने, ये जितने भी जिनके नाम गिना रहे ना, इनकी और हमारी आपकी तमाम लोगों की पैदाइश भी नहीं थी तब की बात है। हमारे पास बाकायदा उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जिसकी ऑनरशिप है। अरे रुको जरा, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरे बीच में कोई ना बोले और मुझे बात पूरी करने। जी जी, मतलब ये जो जमीनें हैं वहां पे, इन जमीनों को ऊंट पे लाद के या घोड़ों पे लाद करके महमूद गजनवी लाया था वहां से, जो इनके ऊपर ये जो मर्जी बना ले। एक एक दूसरी चीज ये है, दानिश भाई थोड़ा दो चार मिनट बात आ जाने दीजिए, इसके बाद आपकी बात। जी ठीक, दूसरी बात किसी के घर में घुस जाओ, उसको घर से बाहर निकाल दो, उस घर में एक मंजिल और बना लो ऊपर, और कहो ये घर तो मेरा है। और मैं एक बात यहां ये कहूंगा कि सवाल हिंदू और मुस्लिम और धर्म मस्जिद मंदिर का नहीं है, जितनी भी जगहों पर जो सरकारी जमीनें हैं जिनके ऊपर अवैध निर्माण है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोगों ने किए हो, वो सारे अवैध निर्माण खाली होने चाहिए पूरे देश के अंदर। ये कोई मजाक नहीं है कि धर्म के ऊपर आप जमीन हथिया लो, और क्या करते हैं देखिए, पहले जमीन हथियाते हैं, मजार बनेगी, मस्जिद बनेगी, फिर एक कबाड़ी वहां जाएगा। एक मस्जिद इनकी मुझे दिखा दीजिए जिसमें बिजनेस ना चलता हो, जिसके आसपास कबाड़ी और ये सब ना हो, और ये काम ना हो रहे हो वहां पे, ये किसका बेवकूफ बना रहे हैं। और सोमनाथ क्या मुसलमानों की जमीन थी? सोमनाथ क्या मुसलमानों का था जो ये आज ये कहते हैं हम पे कागज है? अरे हिंदुओं का देश था ये, हिंदू तीर्थ स्थल था सोमनाथ, जहां पे दोबारा गजनवी आया और तुम लोग पहुंचे और तुमने कब जाया वहां पे। सही बात है असगर अली साहब, ये बात जो कह रहे हैं, ये एक सिलसिला, ये कह रहे हैं कि मजारों के जरिए अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, उसका एक तरीका मजार बनाना कर लिया है, लेकिन पिछले 2 साल के अंदर जो अतिक्रमण हुआ, अगर उसके लिए बुलडोजर कार्रवाई गुजरात के अंदर हो रही है। मुझे यह भी एक तारीख याद आ रही है कि अभी जनवरी में भी 7 एकड़ जमीन करीब खाली कराई गई थी इसी स्थान से लगी हुई, जिस जगह अब बुलडोजर कार्रवाई हुई है, अभी जनवरी के महीने में 2024 में ही तकरीबन 7 एकड़ जमीन, 20 से 22 मकान उस वक्त भी गिराए गए थे। क्या ये कार्रवाई अगर प्रशासन कर रहा है, एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि भाई अपराधियों को दंड देने का काम बुलडोजर का नहीं है, बुलडोजर का काम अतिक्रमण को हटाना है, तो अतिक्रमण को हटाने के लिए जब कार्रवाई हो रही है तो इसको क्यों धार्मिक चश्मे से देखा जा रहा है? ये सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्रवाई में कानूनी कार्रवाई क्या हुई है, मैं तो जो कि वकील होने के नाते भी, और वैसे भी आपने सवाल भी ऐसे ही किया है कि कानूनी कार्रवाई क्या हुई है, इससे कोई उन्होंने नोटिस दिया, कोर्ट का कोई उनके पास ऑर्डर है? आप बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, मैं आपसे अभी बिल्कुल रिसेंट कितने दिन हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ भी सर्कमस्टांसेस हैं लेकिन आप बिल्डोज नहीं करेंगे, तो क्या हम अपने हिंदुस्तान के सबसे बड़े कोर्ट की इज्जत नहीं करते, उसकी बात नहीं मानते? असगर खान, क्या क्या कहा कोर्ट ने कि आप बुलडोज नहीं करेंगे? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट क्या इन्वर्टेड कॉमा पे अतिक्रमण नहीं आपने पढ़ा उस ऑर्डर में? नहीं, उसी वक्त उसमें जो मेन है वो तो यही है ना कि आप बिना कानूनी कार्रवाई के आप या तो साहब आप फिर विक्टिम कार्ड की तरफ जा रहे हैं, विक्टिम कार्ड की तरफ मत जाइए। अच्छा सुनिए, विक्टिम कार्ड की तरफ मत जाइए, बस विक्टिम कार्ड मत खेलिए, बस विक्टिम कार्ड ठीक नहीं है, सुन लीजिए, उसको रिलीजन के चश्मे से मत देखिए, आप देखिए अतिक्रमण एंक्रोचमेंट है वो। चौधरी जी बात आइए प्लीज, थोड़ा सा पढ़ के आइए या तो फिर या बहस मत करिए। अगर मैं कानूनी तौर पर आपसे कह रहा हूँ, बताइए किस कानून में लिखा है कि आप बिल्डोजर चलाएंगे? कोई नहीं चला सकता until unless अतिक्रमण नहीं चला सकते क्या? अतिक्रमण तो चलाएंगे नहीं क्या? अरे कानूनी परमिशन देता है इसकी परमिशन कानून देता है कि कहीं अतिक्रमण तो हटाया जाए। ये सरकार को नहीं है ये पावर कि वो बिल्डोजर चलाए, और आप समझते नहीं है, आप पूरी बात फिर आप कह रहे, हम कह रहे हैं अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण है, आप उसको मस्जिद क्यों देख रहे हैं? आप उसको देखिए अतिक्रमण है। सवाल पूछना चाहता हूँ कि इनके लिए ये मानते हैं कि शरीयत सबसे बड़ा कानून है और कुरान सबसे बड़ा कानून है, बहुत अच्छी बात है, अपने धर्म के लिए ये मानना चाहिए। अब मुझे ये बता दीजिए कि कुरान के अंदर कहां पे लिखा था कि किसी दूसरे धर्म की इबादत की जगह को तोड़कर वहां पे अपनी इबादत की जगह बनाओ?
समझे आप, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये कह रहे हैं आप पुरानी बातें कर रहे हैं, समझे। एक बात दूसरा ये क्या करते हैं, एक तरफ ये कानून की बात करते हैं, जहां कोई अपराधी पकड़ा जाता है कैसे आ जाते हैं ये सामने, और इनका मजा देखिए कि पूरे उसके अंदर जो है जितने भी ये अपराध और ये होते हैं, अगर कोई रेलवे लाइन पे डेटोनेटर रखे हुए पकड़ा गया तब इनके मुंह नहीं खुलते, तब इनके मुंह नहीं खुलते, इनके मुंह तब खुलेंगे कि वो प्रोफेसर, अरे हर चीज को जोड़ना पड़ेगा जनाब, जोड़ना पड़ेगा जनाब, जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना जोड़ना पड़ेगा जनाब, पूरा इस्लाम पढ़ लो, वापसी हो जाएगी, अरे तुम्हारी घर वापसी हो जाएगी, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, तुम्हारे तो कोई घर ही नहीं है, तुम्हारे तो, अरे तुम्हारे तो कोई घर ही नहीं है, तुमको तो अरेबिया वाले भी जूते मार के बाहर निकालते हैं, तुमको सऊदी अरेबिया वाले भी जूते मार के बाहर निकालते हैं, पाकिस्तानी तुम्हें जूते मारते हैं, इस्लाम इस्लाम कहता है कि मंदिर तोड़ के बनाओ, इस्लाम कहता है कि मंदिर तोड़ के बनाओ, यही कहना चाह रहे हो ना, इस्लाम इस्लाम की बात अगर मान लोगे, यही कहना चाह रहे हो ना, अरे आपको नहीं मालूम, आप अपने तक, अरे तुम जाना इस्लाम पढ़ो, बहत्तर बहत्तर हूरों के पास तुम जाना, मुझे नहीं जाना, कानून जी बहत्तर हूरों के पास आप जाइए, मुझे नहीं जाना, किस जगह की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं जाना, बहत्तर हूरों के पास आप जाइए, आप जाइए, किसकी बात कर रहे हैं आप लोग, सब गलत काम करते हैं, तन से जुदा का नारा, तन से जुदा का नारा इस्लाम कहता है, अगर जुदा का नारा लगाते हो, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।